कृपाय गंधमत्ताय गोजय प्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति। आप सर्व को गणपति चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सभी गणपति भक्तों ने पूज्य गणपति जी को अपने घर में मेहमान नवाजी करने या मेहमान के रूप से बुलाया है और गणपति जी को भी लेकर के आए हैं, वो भी पधारे हैं। परंतु गणपति जी की जब भी महिमा की जाती है तो उनकी महिमा में पहला मुख्य शब्द यही कहा जाता, विघ्नहर्ता। अब विघ्नहर्ता वो कैसे हैं, जबकि हम देखते हैं कि गणपति जी का बहुत छोटा सा एक बाल स्वरूप ही दिखाते हैं, बाल स्वरूप नहीं तो किशोरावस्था दिखाते हैं। अब बाल स्वरूप और किशोरावस्था में इतने अनुभव उनके पास कहाँ से आए जो हरेक के हर विघ्नों को वो दूर करते हैं, हर समस्या का समाधान करते, हर प्रश्न का वो जवाब देते। इतने अनुभव इतनी छोटी उम्र में उनके पास कहाँ से आए। स्वाभाविक ये बात हमें सोच में डालती है, परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गणपति जी किसकी संतान थे। वो संतान थे उस ज्योतिर्बिंदु सदा कल्याण करने वाले दुख हरता सुख करता शिव पिता परमात्मा के, और शिव पिता परमात्मा की संतान होने के कारण उन्हें दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र दोनों ही वरदान में प्राप्त थे। इसीलिए तो उनका गज शीश दिखाया गया है। गज शीश कितना बड़ा होता है और आंखें देखो तो कितनी छोटी। तो गज शीश इतना बड़ा जो दिखाया, यह उनकी दिव्य बुद्धि की प्रतिभा का प्रतीक है और छोटी सी आंख उनके दिव्य नेत्र की निशानी है। ये छोटी सी दिव्य आंख दुरादेशी नेत्र है जिससे वो भविष्य को भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। बस यही कारण है अपनी दिव्य बुद्धि के आधार पर, उस दिव्य समझ के आधार पर वो अपने भक्तों के जो भी विघ्न हैं उनको समझ पाते हैं, क्योंकि उनके पास एक ऐसा दृष्टिकोण है जिस दृष्टिकोण से वो भक्तों के विघ्न को सुनते हैं, समझते हैं और उन्हें क्या तकलीफ होती होगी वो उस दृष्टिकोण से उसको देखते हैं और देखने के पश्चात स्वयं भी महसूस करते हैं कि मेरे भक्त को कितनी इस विघ्न के द्वारा तकलीफ होती होगी। तो रहम दिल बाप के वो संतान होने के कारण उन्हें अपने भक्तों पर भी बड़ा रहम आता है और उस रहम के कारण वो अपनी इस दिव्य बुद्धि का भी उपयोग करते और साथ साथ दिव्य नेत्र का भी उपयोग करते। अब ये दोनों बातें उनके पास होने के कारण वरदान के रूप में, अब ये वरदान के रूप में होने के कारण उनके पास जो भी भक्त जिस भी भावना को लेकर के आते हैं
वो उनकी उस भावना के अनुरूप उनको फल भी देते हैं या भाड़ा भी देते हैं या उनके विघ्न को दूर भी करते या उनके विघ्न को मिटाते भी हैं या फिर उनको उस विघ्न को पार करने का सही मार्ग भी दिखा देते हैं। बस यही कारण है वो विघ्न हरता है। और इसीलिए ही जब भक्तों के पास कोई विघ्न आता है तो दौड़ करके जाते हैं अपने उस इष्ट देव पूज्य श्री गणेश जी के चरणों में और जा करके अपनी समस्या का समाधान करते हैं। वक्रतुंडाय गौरी तनयाय धीमहि गजेशानाय बालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.